क्या आप जानते हैं कि ब्लड कैंसर क्या होता है या कैसे होता है? ये हमारे ब्लड सेल्स, बोन मैरो और लिम्फैटिक सिस्टम यानी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मायोलोमा होता है और लक्षण में फटीग, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग दिख सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए आप ब्लड टेस्ट और बायोप्सीज करवा सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट में लोग अक्सर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और टारगेटेड थेरेपीज करवाते हैं। ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसे समय पे डायग्नोस करना जरूरी है, लेकिन लोगों को इस कैंसर के बारे में कुछ मिथ्स होती है यानी गलत फहमियाँ होती है, जिनकी बात हम आज करेंगे। पहला है कि सारे ब्लड कैंसर्स जानलेवा होते हैं और डायग्नोस होने के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। दरअसल CLL और CML जैसे ब्लड कैंसर्स जो बेहद गंभीर होते हैं, अगर समय पे डायग्नोस हो जाए और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े तो ये आसानी से ट्रीट करा जा सकता है दवाइयों के साथ। एक और मिथ है कि ब्लड कैंसर सिर्फ बुजुर्गों को हो सकता है, लेकिन ये 20 से 40 साल के लोगों को भी आम है और इस उम्र में ये बीमारी तेजी से बढ़ती है। एक मिथ है कि सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ये सच नहीं है और कई नई तरकीबों से ब्लड कैंसर को ट्रीट करा जा सकता है थेरेपीज और दवाइयों के द्वारा। हर केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिथ है कि बच्चों को ब्लड कैंसर हो जाए तो वो कीमोथेरेपी से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ल्यूकीमिया बच्चों में बहुत ज्यादा आम है और बच्चों को कीमोथेरेपी का असर भी होता है। अगर इन बच्चों का सही समय पे इलाज करा दिया जाए तो ये एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।